हेलो दोस्तों, रीडो बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अचीवमेंट की साइकोलॉजी को एक अलग ढंग से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सक्सेस वो होती है जिसे हर कोई पाना चाहता है, दोनों पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर भी, और ये मिलती है किसी एम, पर्पस, गोल या किसी भी डिजायर को हासिल करने पर। दूसरी तरफ है अचीवमेंट, यानी कि कुछ जिसे हासिल करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स, हार्डवर्क, करेज और सुपीरियर एबिलिटी की जरूरत होती है। पर्सनल डेवलपमेंट की बात की जाए तो ब्रायन ट्रेसी की बुक द साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट एक बेहतरीन क्लासिक बुक है, और जब से ये पब्लिश हुई है ब्रायन ट्रेसी के इस प्रोग्राम को कई साइकोलॉजिस्ट और कॉरपोरेशन ने अपनाया है। इंटरनेट के आने के बाद ट्रेसी ने अपने इस प्रोग्राम को अपडेट किया और द न्यू साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट का नाम दिया। ब्रायन ट्रेसी एक कैनेडियन अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर हैं, जिन्होंने 80 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं, जैसे कि अर्न व्हाट यू आर रियली वर्थ, ईट दैट फ्रॉग, नो एक्सक्यूजेस, और इसके जरिए उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये एक बेहतरीन बुक है जिसमें ट्रेसी ने उस साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया है जिसकी हेल्प से हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे कि सक्सेस और अचीवमेंट्स के लिए जरूरी माइंडसेट कैसा होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम देखेंगे सक्सेस के 7 मेंटल लॉज, और फाइनली तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि किस तरह अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, यानी कि सक्सेस और अचीवमेंट के लिए जरूरी माइंडसेट के बारे में। यहाँ सक्सेस के लिए 6 रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, जिसमें पहली है पीस ऑफ माइंड। एक इंसान तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो अपने डर से, गिल्ट से और गुस्से से आजाद हो। अगर किसी के ऊपर इन तीनों नेगेटिव एलिमेंट्स का बोझ नहीं है तो वो अपने गोल्स पर बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं, यानी कि खुद को पीसफुल बनाने के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आता है, और ये सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों की लाइफ में भी स्टेबिलिटी लेकर आता है। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है गुड हेल्थ एंड एनर्जी। अगर एक इंसान की हेल्थ खराब है और बॉडी कमजोर है तो वो कभी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मोटिवेटेड रहने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए हाई लेवल एनर्जी होना बहुत जरूरी है, और सक्सेसफुल होने के बाद अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो ये सारी कमाई मिलकर भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। इसलिए आपको प्रॉपर फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनाए रखने की जरूरत है। तीसरी रिक्वायरमेंट है हैप्पी एंड लविंग रिलेशनशिप। मैच्योर रिलेशनशिप जिसमें रिस्पेक्ट, प्यार और इंटीमेसी तीनों शामिल हो, वो एक इंसान को बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप पर फोकस करें। सक्सेसफुल होना बेशक एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, लेकिन एक होलिस्टिक लाइफ जीने के लिए आपको अपने रिलेशनशिप पर भी फोकस करना होगा। आपको कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ आप अपनी सक्सेस शेयर कर सकें, और अगर कोई ऐसा नहीं है जो आपसे प्यार करता है या जिससे आप प्यार करते हैं, तो आप कभी भी उतना मोटिवेटेड महसूस नहीं कर पाएंगे। चौथी रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम। अक्सर इंसान को जो चीजें आगे बढ़ने नहीं देती हैं, वो है पैसों की कमी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में लगातार चिंता। गरीबी एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, और चाहे दुनिया जो भी कहे, अगर आपको अपना और अपने साथ साथ दुनिया का भला करना है तो आप गरीब रहकर कभी भी ह्यूमैनिटी की उतनी मदद नहीं कर पाएंगे जितना कि आप अमीर बनकर कर सकते हैं। इसलिए पहले अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर फोकस करें, क्योंकि ये आपको वाकई में अपने फुल पोटेंशियल पर जाने में हेल्प करेगा। अगली रिक्वायरमेंट है अपने गोल्स और आइडियल्स के प्रति आपका कमिटमेंट। हम जो भी करते हैं वो किसी न किसी कारण से करते हैं, इसलिए अगर आप जानते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं और आपके आइडियल्स क्या हैं, तो आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होगी कि आपको कहां जाना है और किस तरह से जाना है। इसके अलावा आखिरी रिक्वायरमेंट है पर्सनल फुलफिलमेंट। सक्सेस को तभी पाया जा सकता है जब आप खुद को जानने लगते हैं, इसलिए आपको ये महसूस करना होगा कि आप वो चीज अचीव कर रहे हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, और आप वो बन रहे हैं जो बनने की कैपेबिलिटी आप में है। इस बुक के सेकंड पार्ट में मेंटल मास्टर के 7 लॉज के बारे में बताया गया है, जिन्हें अगर फॉलो किया जाए तो ये आपको सक्सेस के पाथ पर ले जाएंगे। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंट्रोल। जब आप खुद के बारे में और जिस तरह आप अपने सेट गोल की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं उस बारे में अच्छा फील करते हैं, तब आप रियलाइज करेंगे कि आप पूरी तरह अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं, यानी कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और आप अपने सभी शॉट्स को आसानी से खेल रहे हैं। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि आप जो भी एक्शन लेते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन होते हैं। अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पीछे जाकर देखें कि कहां पर गलती हुई है और उस गलती को सुधार कर फिर से शुरू करें। तीसरा लॉ है द लॉ ऑफ बिलीफ, यानी कि जिसमें आप बिलीव करते हैं आप वही बन जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे तो आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये यकीन है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप आधी लड़ाई यहीं जीत चुके हैं, और आपको सक्सेसफुल होने के लिए इस बिलीफ को कंटिन्यू रखना है।
इसलिए नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये आपकी सक्सेस को पैरालाइज कर देगा। यकीन करें कि आप कर सकते हैं और बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इसे कर पाएंगे। चौथा लॉ है द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि आप जिस चीज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो जानते हैं वो आपको मिल जाएगा, तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा जिससे ये वाकई में सच हो सकता है। इसलिए खुद से बेहतर की उम्मीद करें, फिर रिजल्ट चाहे जो भी हो, क्योंकि इस तरह से आप अपने सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ा देंगे। पांचवा लॉ बहुत ही इफेक्टिव लॉ है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आपके ऊपर जो थॉट्स हावी हैं, वो लोगों को, थॉट्स को और सिचुएशन को आपकी तरफ खींचने के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अगर आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा, लेकिन पॉजिटिव सोचने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फैंटेसीज के बारे में सोचते रहें, क्योंकि इस तरह तो ये कभी भी काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होकर सोचें और खुद को नेगेटिविटी के दलदल में ना फंसने दें। अगला लॉ है द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका आउटर और इनर वर्ल्ड एक दूसरे के साथ सिंक होकर चलते हैं। इसलिए अगर आप खुद को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह दिखाकर अंदर से शुरू करें। सातवां लॉ है द लॉ ऑफ मेंटल इक्विवेलेंस, यानी कि आपके पास आपके पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशंस हैं तो रिपीटेशन के रूल्स को अप्लाई करें जब तक कि एक रियलिटी नहीं बन जाते। और जब आप अपनी डिजायर के बराबर का माइंडसेट बना लेते हैं तो बाकी सब चीजें अपने आप अपनी जगह सेटल हो जाती हैं। इसके बाद अब आता है इस बुक का तीसरा पार्ट, जो बात करता है उन सात तरीकों के बारे में जिससे आप अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। हम सबके अंदर एक पावर है, बस बात यह है कि कभी कभी हम इससे अवेयर नहीं होते कि ये हम में है और हम सब में वो पोटेंशियल है जो बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। इसलिए हम जो चाहते हैं उसको पाने के लिए खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, आखिर में सक्सेस को पा सकते हैं। लेकिन अपने इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को कैसे अनलॉक किया जाए, आइए जानते हैं। सबसे पहले डेवलप अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। यहाँ आपको काम करना है खुद के बारे में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पर, या फिर ये जानने पर कि आप एक्चुअल में कौन है। लेकिन आपको अपने एटीट्यूड पर काम करें। आप शायद ये ना जानते हों, लेकिन हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से फिसलने दे रहे हैं, क्योंकि आपने एक नेगेटिव रवैया अपना रखा है, या फिर आपका एटीट्यूड एक लूजर का है, या फिर किसी ऐसे इंसान का जो तब तक ट्राई ही नहीं करता जब तक उसके सामने कोई श्योरिटी वाली चीज ना हो। अब आप पूछेंगे कि एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को किस तरह बिल्ड किया जाए। तो खुद पर और अपने अभी तक के अचीवमेंट्स पर एक निगाह डालिए, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इसके लिए अपने क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट करें। तय करें कि आपकी लाइफ का पर्सनल मिशन क्या है, जिससे कि आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिल सके। अपने गोल्स लिख लें जिससे आपके पास एक सॉलिड चीज हो, ताकि जब भी आपको उन्हें रिमाइंड करने की जरूरत हो आप उन लिखे हुए गोल्स को देख सके। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग गोल्स को कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि पर्सनल गोल्स, ये ऐसे गोल्स हैं जो पर्सनल फुलफिलमेंट और प्लेजर के लिए होते हैं। फैमिली गोल्स, ये गोल्स आपके रिलेशनशिप के और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके लिए हैं। करियर गोल्स, ये वो गोल्स हैं जो आपकी पसंद के प्रोफेशन या काम के एरिया में होते हैं। बिजनेस गोल्स, ये वो गोल्स हैं जिन्हें आप अपने बिजनेस या एंटरप्राइज के एरिया में हासिल करना चाहते हैं। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट गोल्स या सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स, ये वो गोल्स हैं जो आखिर में आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। इसके बाद खुद को एक्सीलेंस के लिए डिवोट करें। एक कमिटमेंट करें कि बात जब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की आएगी तब आप बेस्ट के नीचे सेटल नहीं होंगे। अगर आप गोल बना ही रहे हैं तो बड़े गोल्स बनाएं, हमेशा टॉप के लिए लड़ें। अगला है कंट्रीब्यूट एंड परफॉर्म, यानी कि खुद को और खुद के कंट्रीब्यूशन को दूसरों के लिए इतना इंपॉर्टेंट बना दें कि वो आपकी वैल्यू करें और आपके बारे में बेहतर सोचें। सोसाइटी में वैल्यू प्रोवाइड करें और इस तरह से आप खुद को भी वैल्यू करेंगे। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, यानी कि अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। अपने हार्डवर्क के लिए पहचाने जाने की उम्मीद ना रखें जब आपने कुछ किया ही ना हो। अगर आपके हाथ में कोई काम है तो अपना बेस्ट देने पर फोकस करें और इसे पूरा करें। इसके साथ साथ अपना टाइम एफिशिएंटली यूज करें। आपके पास अपने टैलेंट्स हैं, अपनी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन ये सब बर्बाद हो जाएंगी अगर आप इनका एफिशिएंटली यूज नहीं करेंगे। और ऐसा करने के लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा। पेशेंट बने रहने में और अपना टाइम बर्बाद करने में फर्क समझें। कई लोग इस इल्यूजन में जीते हैं कि वो परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे इंसान बनने से बचें। इसके साथ साथ आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप मेक टाइम की बुक समरी को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं, जिसमें आप ये जानेंगे कि अपने टाइम का सही से यूज कैसे करना है और वेस्ट होने से कैसे बचाना है।
आप भी कुको एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजार ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको एक जगह बैठने की भी जरूरत नहीं है। वॉक करते हुए, ट्रैवल करते वक्त, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करें और चार्ज लें, यानी कि मैच्योर बने और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सिर्फ देखने के लिए ही मैच्योर ना बने, बल्कि अपनी चॉइसेस और डिसीजन लेने में भी बहुत मैच्योर बने और उन्हें इम्प्लीमेंट करें। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए दूसरों को ब्लेम ना करें। ये आपकी लाइफ है, आपके एक्शन हैं और आपके डिसीजन हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। इंसान छोटी से छोटी चीज में भी बहाने बनाते हैं या बहाने ढूंढते हैं, और ये एक और साइन है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। कई लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं और अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं और एक मिजरेबल लाइफ जीते हैं, जबकि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उनकी लाइफ सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरा कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला है। इसको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके फेलियर्स के लिए कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। तो लोगों को और किस्मत को ब्लेम करना बंद करें और खुद पर काम करना शुरू करें। ऐसी कई नेगेटिव हैबिट्स और बुरी फीलिंग्स हैं जो किसी की ग्रोथ और मैच्योरिटी को नुकसान पहुंचाती हैं। जिस पल एक इंसान पैदा होता है, उसका सामना कई तरह के एक्सपीरियंसेस से होता है, जिससे ऐसे रिस्पॉन्स पैदा होते हैं जो रिपीटेशन के साथ एक आदत में बदल जाते हैं। जो पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, वो अपने बच्चों को ये कहते हुए बड़ा करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, और इस तरह वो कई चीजों से डरते हुए बड़े होते हैं। ये जो फेलियर का डर है, हर्ट होने का, उनकी सक्सेस के रास्ते को रोक देता है। पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, जहां अफर्मेशंस और अप्रूवल ढूंढते हैं, वो दूसरे लोगों से नहीं मिल सकता। ये आपके अंदर से शुरू होता है। आप एक मंत्र के साथ शुरू करें और खुद को लगातार बार बार बताते रहें, क्योंकि ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। फ्रेज और स्टेटमेंट जैसे मैं खुद को पसंद करता हूँ, या फिर मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे नेगेटिव थॉट्स को दूर रखने में। सुबह जब आप जागते हैं, सबसे पहला काम यही करें, और जब आप सोने जाएं, उससे पहले यही काम करें। दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड या थॉट्स जिससे हमें दूर रहना चाहिए, वह दूसरों को ब्लेम करना। क्योंकि जब भी हमें कुछ कमी महसूस होती है या हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ब्लेमिंग शुरू होती है तो ये चलती रहती है और बड़ी होती जाती है, और इससे नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ती जाती है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं, तो हम दूसरों की तरफ उंगली उठाना और उन्हें ब्लेम करना बंद कर देते हैं, और इस तरह से हम नेगेटिव इमोशंस को खुद पर हावी होने से रोक देते हैं। अगला एस्पेक्ट है कि अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करें। अगर आप सक्सेस के लिए तैयार हैं, तो आपको खुद की वैल्यू करना सीखना होगा। यकीन करें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब आप खुद के बारे में बेहतर फील करते हैं, तो ये आपके गोल को हासिल करने के डायरेक्शन में आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका आपकी लाइफ के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है। चिंता करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप इतनी ज्यादा चिंता करते हैं कि ये आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट करने लग जाए, तो ये अनहेल्दी है और ये उन बाकी नेगेटिव इमोशन में से एक बन जाता है जो आपको पीछे होल्ड किए रखता है। हम सब परफेक्शन के पीछे भागते हैं और खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सबसे बेहतर करके दिखाएंगे, लेकिन जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं, तो इससे हम नेगेटिविटी के एक लूप में फंस जाते हैं, और ये हमारी सेल्फ एस्टीम को बुरी तरह से हर्ट करता है। इसलिए ये जान लें कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर एक से गलती होती है, और कुछ मिस्टेक या कुछ फेलियर्स के बाद खुद को याद दिलाएं कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और अपनी सेल्फ एस्टीम को कभी भी कम ना होने दें। अगला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोगों से अच्छे रिलेशन बनाकर रखें। रिलेशनशिप सक्सेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस के शिखर पर दूसरे लोगों की वजह से ही पहुंचते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप को डेवलप करना और इन्हें मेंटेन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको ये भी चूज करना होगा कि किन लोगों के साथ आपको जुड़ना है। नेचुरली आप पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, ताकि उनकी पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। नेगेटिव लोगों के साथ घुलना मिलना, जो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही सोचते हैं, आपकी किसी भी पॉजिटिव थिंकिंग या फीलिंग को क्रिएट करने में हेल्प नहीं कर पाएंगे। माफ करना सीखना भी रिलेशनशिप को बनाए रखने का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। किसी के लिए मन में नफरत बनाए रखना एक नेगेटिव एटीट्यूड है, जो आपकी सक्सेस की राह में एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। और माफी ऐसी भी ना हो कि आप सेलेक्टेड लोगों को ही दें, जहां आप एक इंसान को तो माफ कर दें, लेकिन दूसरे इंसान को ना करें। सभी को माफ करना सीखें। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो करना सबसे मुश्किल होता है। हालांकि एक बार जब आप इन्हें कह देते हैं, तो आप देखेंगे
कि आप अपने आप को हल्का फील कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको खुद को भी माफ करना सीखना होगा। एक बार आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरे लोगों को अप्रोच करने के लिए एक बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे और उनके साथ एक मजबूत और लास्टिंग रिलेशनशिप बना पाएंगे। इसके बाद अगला एस्पेक्ट है कि स्ट्रेस को दूर रखें। स्ट्रेस एक अच्छी चीज हो सकती है, ये कुछ को ज्यादा ट्राई करने में और बेहतर परफॉर्म करने के लिए ड्राइव कर सकती है। लेकिन यहाँ एक दूसरी तरह का स्ट्रेस भी है जो है बैड स्ट्रेस, जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। ये कुछ इस तरह का स्ट्रेस है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है, हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकता है और क्लियरली ये स्ट्रेस आपके गोल को पाने के रास्ते में ऑब्स्टेकल बन सकता है। बहुत ज्यादा थका होना और एग्जॉस्टेड होना या बहुत ज्यादा प्रेशर या टेंशन में होना काउंटर प्रोडक्टिव होता है, खासकर तब जब आप कुछ पाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके माइंड में एक क्लियर गोल है कि आपको अपनी कंपनी के मैनेजमेंट में टॉप की सीट हासिल करनी है। अब ये करने के लिए अपने काम में आप बाकी किसी से ज्यादा टाइम देते हैं और आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कोवर्कर के साथ क्वालिटी टाइम भी नहीं बिता पाते, क्योंकि आप अपने बॉस को इम्प्रेस करने में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो आपको एक ऐसी पोजीशन दे दें और आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने का प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं जो आपके बॉस आपसे चाहते हैं। ये वाकई में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। वो पोजीशन हासिल करना शायद वो अचीवमेंट नहीं हो जिसके बारे में आपने सोचा था, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि इस वजह से जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हर्ट हुई है और यहाँ तक कि आपकी हेल्थ भी इम्पैक्ट हुई है, इस पॉइंट पर आप शायद सोचें कि ये सब करने का पॉइंट ही क्या था। स्ट्रेस को हैंडल करने के बहुत अच्छे तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो यकीनन चेंजेस फील करेंगे। पानी ज्यादा पिएं। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना काफी होता है। उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये एक फिजिकल मेडिटेशन की तरह होता है और आपको स्ट्रेस फ्री तो रखता ही है, साथ ही आपको फिजिकली फिट और अट्रैक्टिव दिखने में भी हेल्प करता है। अगर आपको टबैको, एल्कोहल या ज्यादा कॉफी पीने की आदत है तो इसको छोड़ दें, क्योंकि ये आपके मूड को बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करें। साथ में ये भी देखें कि आपका स्ट्रेस किन चीजों से ट्रिगर होता है। अगर आप ये जान लेंगे तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर लेंगे। और आखिर में खुद के लिए रियलिस्टिक गोल सेट करें। अक्सर हम बहुत ज्यादा बड़े गोल सेट कर लेते हैं और जब हम वहां तक नहीं पहुंच पाते तो हम स्ट्रेस के लूप में फंसते चले जाते हैं। अगला एस्पेक्ट है कि अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करें। यकीन करें कि आप इसे कर सकते हैं और आप इसे करने में कैपेबल होंगे। आपके थॉट्स और परसेप्शन जो आप खुद के बारे में रखते हैं वो बहुत मायने रखते हैं कि आप क्या बनते हैं। आज आप जो कुछ भी हैं वो आप उसी वजह से हैं जो आप अपने बारे में सोचते थे। आपको अपने बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस को प्रोग्राम करना होगा और ये चूज करना होगा कि आप क्या चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि हमारी बिलीव्स ही हमारी रियलिटी बन जाते हैं। अगर हम लंबे टाइम तक किसी चीज में भरोसा करते हैं तो ये सच बन जाता है। इसलिए अगर हम हमारी लाइफ को बदलना चाहते हैं या शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुआत खुद में चेंजेस लाने से करनी होगी, और तब हमारे पास एक गोल होगा जिसे हम डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ अचीव कर सकते हैं। अगर हम अपने एफर्ट्स या थॉट्स को इन एक्सपेक्टेशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उनके सच होने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। हमारे थॉट्स कई तरह की पावर और एलिमेंट को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर हम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि पॉजिटिव लोग, सिचुएशंस और रिजल्ट्स, तो हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव होने चाहिए। अफर्मेशन या पॉजिटिव अफर्मेशन के जरिए भी अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। अफर्मेशन को बार बार दोहराएं जब तक कि वो हमारे सबकॉन्शियस में एब्जॉर्ब ना हो जाए और आपके पास इस पर बिलीव करने का कोई और रास्ता ही ना हो और ना ही कोई नेगेटिव थॉट्स के लिए जगह बचे। अपनी इमेजिनेशन का यूज करें और खुद को पिक्चर करें कि फ्यूचर में आप क्या और कैसे बनना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि अफर्मेशन करते वक्त अपने मन में किसी तरह की कोई हेजिटेशन ना रखें, वरना ये आपकी फैंटेसी बनकर रह जाएगी। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पॉजिटिव होकर विजुलाइज करें और अफर्मेशन करें। खुद पर और अपने सपनों पर कभी भी शक ना करें। अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए आखिरी एस्पेक्ट है कि फेल होने का रिस्क लेना सीखें। फेलियर का डर कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि वो पैरालाइज हो जाते हैं और कुछ भी करने से मना कर देते हैं या कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो कोशिश ही नहीं करेंगे तो फेल भी नहीं होंगे। हालांकि अगर वो कोशिश नहीं करेंगे तो जो वो चाहते हैं उसे हासिल भी नहीं कर सकते और कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा, और उनमें से एक रिस्क ये भी है कि आप फेल भी हो सकते हैं। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट सोचते हैं कि फेलियर एक बहुत बढ़िया टीचर है, क्योंकि ये आपको वो लेसन सिखाता है जो आप अपने अगले अटेम्प्ट्स में यूज कर सकते हैं। अचीवमेंट्स और सक्सेस हमें कोई चांदी की प्लेट में सजाकर नहीं देने वाला। हमें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, और इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि सक्सेस हासिल करने के लिए हार्डवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये एक ऐसा गिव एंड टेक प्रोसेस है जिसके आगे हमारे पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं होती। तो दोस्तों, इस बुक में हमने देखा कि कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें और लाइफ में सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करें, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको अच्छा दिखने में हेल्प करेगा बल्कि ये आपको काम, स्ट्रेस फ्री और फिट रहने में भी हेल्प करेगा। रिस्क और फेलियर लाइफ का पार्ट है तो इनका वेलकम करें। लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करें क्योंकि ये आपको ऊपर तो उठाएगा ही, साथ ही दूसरों को भी ऊपर उठाएगा। दोस्तों, दुनिया में पहले से ही बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो एक पॉजिटिव इंसान बनने की कोशिश करें। खुद को अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए प्रोग्राम करें और छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरे नहीं। आपके पास एक ही जिंदगी है तो इसे इतना बेहतर बनाएं कि दूसरे लोग आपके साथ इंस्पायर्ड महसूस करें। इसके साथ ही अगर आप अपने प्रेजेंट कंफर्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं तो आप कभी भी फ्यूचर में फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में शॉर्टकट नहीं होते, इसलिए डिसीजन आपका है कि आप अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं या ऐसे ही नॉर्मल रिस्क फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।